नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान और आप देख रहे हैं बड़ी बात। आज हम बात करेंगे हरियाणा के किसानों की। हरियाणा में किसानों के सामने कुदरत के कहर के साथ साथ सिस्टम की तैयारियों का अभाव बड़ी परेशानी है। गेहूं की खरीद सही ढंग से ना होना और साथ ही गेहूं का भीग जाना धरती पुत्र के लिए बड़ी परेशानी का सबब बना है। तो पहले इस रिपोर्ट में देख लीजिए, तस्वीरें आपकी चिंता बढ़ा सकती हैं। जो गेहूं की खड़ी फसलें थी उनका नुकसान हुआ, साथ ही मंडियों में भीगते गेहूं की तस्वीरें किसानों के दर्द को बेहतर बताएंगे। किसान की परेशानी दुखद है लेकिन सामान्य भी है। सामान्य इसलिए भी है क्योंकि कभी सरकार, कभी सिस्टम, कभी कुदरत का कहर किसान की परेशानियां कम नहीं होने देता। किसान हितैषी होने की हर पार्टी दावे करती है लेकिन कमोबेश हर सरकार के दौरान किसानों की स्थिति बदहाल रही। अब सीजन गेहूं का और खरीद की परेशानियों के साथ साथ बरसात में भीगता पीला सोना किसानों की मेहनत पर पानी फेर रहा है। बात हरियाणा के किसानों की। बेमौसमी बरसात ने सिस्टम के दावों की पोल खोल कर रख दी। मंडियों में पहुँचा किसान का गेहूँ बिना तैयारी के बरसात में भीगता रहा। मंडी में कितना गेहूँ बीज गया, आपका ही बीजा होगा, कितना नुकसान हो गया? मंडी में तो बहुत घना नुकसान हो रहा है, क्या करें। ये लिफ्टिंग हुई नहीं, कट्टे भरे भराए बीज के, बोलो क्या करें। उठान नहीं हुआ था, उठान नहीं हुआ, गाड़ी मिल नहीं रही, तीन दिन हो गए रोम थी ना भाई। हर साल ये खराब माटी हो है, डम्फर खड़े हो तो बीज को तीन टन पड़ी होती तो खड़ी करते आए। हर साल खराब जी को क्या करेगा, नुकसान तो बहुत है। खेतों में खड़ी फसल पर भी कुदरत का कहर खूब बरपा। किसानों की खड़ी फसलें करीब करीब बर्बाद हो गई। कुछ महंगा है, ऊपर से दाम बढ़िया नहीं मिल रहे और दूसरा प्राकृतिक भी किसान के साथ लगी हुई है। अब किसान चारों तरफ से संकट से घिरा हुआ है, तो सरकार ही कुछ किसान का करे तो कुछ किसान उभर सकता नहीं, तो किसान नुकसान में जाता जा रहा है। अब इसमें जो नीचे धरती पे गेहूं चिपक गई है वरना तो दाना लेगी, और जो पकी गेहूं थी वह भी सूख जाएगी क्योंकि सड़न आ जाएगी पानी लगने से, और किसान को सीधा 40-50% नुकसान हो चुका है। और सरकार से ही मांग करेंगे हम भाई, जल्दी जल्दी इनकी गिरफ्तारी करवाएगा और उचित मुआवजा दिया जाए ताकि सरकारी खरीद कितना हुई वो बड़ा सवाल है। फसल जो बर्बाद हुई वो नौबत क्यों आई ये भी परेशानी है। साथ ही बीजेपी के विधायक कहते हैं कि बरसात के पहले का गेहूं खरीदा गया लेकिन उसके बाद की खरीद नहीं हो सकी। सुन लीजिए। हमने दो दिन परचेज किया था लेकिन वो परचेज करने के बाद जो नमी वाले माल थे वो थोड़े रुक गए थे। जो 6 तारीख को या 7 तारीख को जो माल की कटाई हुई वो नमी वाले माल थे, वो जाके 8 तारीख उसको नहीं तलवा पाया, इसलिए वो किसानों को उसमें नुकसान तो हुआ है लेकिन फिर भी किसान की जो है फसल इस बार बहुत अच्छी निकल रही है। विपक्ष भी किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने को जुटा है। इनेलो ने सरकारी खरीद ढंग से ना होने और हालात ना सुधरने पर आंदोलन की चेतावनी दी। ना तो आज तक बोली शुरू हुई, आज 9 तारीख हो गई, दावा सरकार करती है 1 तारीख से बोली शुरू करने का। ना मंडी में कहीं सफाई है, ना मंडी के अंदर कोई लाइट का प्रबंध है, ना किसान के लिए पानी का प्रबंध है। ये हालात है किसान की आज जो इस सरकार ने बढ़ा रखी है। तो सरकार ये दावा करती है कि किसान की इनकम को दुगना कर देगी। आज किसान का ये सोना जो है मंडियों के अंदर बर्बाद हो रहा है, इस तरीके की हालात है, कोई पूछने वाला नहीं। तो किसान की बर्बादी का कारण सरकार बढ़ती जा रही है, जो कहती है दुगना जो है ना इसकी इनकम दुगनी कर देगी। कांग्रेस भी किसानों के मुद्दे पर सरकार पर हमलावर है। हालांकि कृषि मंत्री की ओर से गिरदावरी करवाने और मुआवजा दिए जाने का ऐलान जरूर किया गया। देखिए आज का मौसम है पूरे हरियाणा में थोड़ा फसल की दृष्टि से नुकसानदायक मौसम है, और सुबह ही FCR ने सभी डिप्टी कमिश्नर्स की ड्यूटी लगाई है कि हरियाणा के किस किस जिले में कितना नुकसान है उसकी जानकारी दी जाए, और जहां भी इस नुकसान की मात्रा अधिक है उन सब स्थानों पर स्पेशल गिरदावरी के आदेश दिए जाएंगे कि जिससे उस नुकसान के बारे में तुरंत पता चल सके। मार्केटिंग बोर्ड ने भी, उनके CA ने भी मंडियों में कहाँ कितना नुकसान हुआ है उसकी भी जानकारी लेने के पूरे मंडियों के आदेश दिए हैं।
बहरहाल धरती पुत्र के सामने चुनौती फसलें उगाने के अलावा उन्हें उचित दाम पर बेचने, कुदरत के कहर से बचाने और मुनाफा हासिल करने की बनी है। सरकार किसानों के अच्छे दिन ला पाने में कितनी कामयाब हो पाई, बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। तो मुद्दा अपने आप में बेहद गंभीर है और किसान से सीधे तौर पर जुड़ा है कि किसानों के अच्छे दिन कितने आए। और खास बात यह है कि पैनल हमारे साथ है, लेकिन जिनसे जवाब लेना था सरकार की ओर से, हरियाणा बीजेपी की ओर से प्रवक्ता ने किया, आना जरूरी नहीं समझा गया। हरियाणा कांग्रेस से प्रवक्ता हमारे साथ है रंजिता मेहता, साथ ही इनेलो से प्रवक्ता हमारे साथ प्रवीण अत्रे साहब हैं, किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी है और एक और किसान नेता दिलबाग सिंह नैन हमारे साथ हैं। स्वागत है सभी का इस चर्चा में। हालांकि शुरुआत सरकार से करते, सरकार से पूछते कि किसानों के दावे जरूर किए गए थे, सरकारी खरीद के व्यवस्था के दावे किए गए थे, लेकिन जो सच्चाई है वो हमने रिपोर्ट में दिखा दी है, लेकिन बीजेपी से पैनल पर कोई भी नहीं आया, तो कितने गंभीर है सरकार ये आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं इस पैनल को देखकर। शुरुआत कर लेंगे अत्रे साहब आपसे, क्या लगता है किसानों की खरीद के जो दावे किए गए थे 1 अप्रैल से सरकारी खरीद हो पाएगी, नैलो कैसे देखती है कितनी खरीद शुरू हो पाएगी? देखिए, अभी आपने जैसे रिपोर्ट में कहा ज्योति कि कुदरत का कहर, देखिए मैं कहूँगा कुदरत के साथ साथ सरकार का कहर, क्योंकि सरकार की तरफ से ये घोषणा की गई कि 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू की जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं लगभग 4-5 एजेंसीज हैं, जैसे फूड एंड सप्लाई है, FCI है, तो अलग अलग एजेंसीज हैं, हरियाणा वेयरहाउस कॉरपोरेशन है जो गेहूं की खरीद करते हैं और बाकायदा इनके कोटा फिक्स होते हैं, परसेंटेज फिक्स होती है कोई कितना कितने परसेंट खरीदेगा, अलग अलग मंडीज इनको अलॉट होती हैं। हैरानी की बात यह है सरकार की घोषणा के बावजूद कोई भी एजेंसी मंडी में नहीं पहुंची और किसी ने भी कोई भी खरीद नहीं की, जैसे 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 5 अप्रैल को भी आपको याद होगा हमने इस विषय पर चर्चा की थी। किसान अपनी गेहूं लेके घोषणा के हिसाब से मंडी में आता है और आगे जब किसान को पता लगता है कि कोई भी एजेंसी वहां पे नहीं आई है, खरीद नहीं हो रही है, और आप बेहतर जानते हैं कि किसान के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो अपनी फसल को स्टॉक कर सके या अपने पास संग्रह कर सके, और मजबूरी में उस किसान को अपनी फसल सरकार के द्वारा प्रायोजित उन लोगों को उने पौने दाम में बेचने पे मजबूर होना पड़ता है, सबसे बड़ा खेल तो ये है। और ये कोई गेहूं की खरीद के मामले में नहीं है। अगर आप देखेंगे जब धान की खरीद का घोटाला हुआ था उस वक्त भी किसान को इसी तरह लूटा गया, बाजरे की खरीद में लूटा गया, सरसों की खरीद में लूटा गया, कपास में लूटा गया, अब धान खरीद में भी किसान के साथ वही हो रहा है जो पहले हुआ। नमी के नाम पे किसान के गेहूं को नहीं खरीदा जाता और बाद में कुछ जो लोग सरकार के प्रायोजित लोग हैं, मैं प्रायोजित इसलिए कह रहा हूं कि कुछ लोग ऐसे जो सरकार के सरकार में बैठे हुए लोगों के नुमाइंदे होते हैं और वो उने पौने दाम पे फिर किसान की फसल को खरीदते हैं। सबसे बड़ी बात यह है जिस तरह से बारिश हुई, बारिश में किसान को दिक्कतें पेश आई, गेहूं भीग गई, गेहूं बिछ गई, हैरानी इस बात की है। अगर मैं मंडियों के संदर्भ में बात करता हूं, आप भी जानते हैं कि मौसम विभाग 3-4-5 दिन पहले इस बात की घोषणा कर देता है कि फला दिन बारिश होगी, जैसे अभी भी ये पहले से पता था कि 9 और 10 को बारिश के आसार है। सरकार कहां सोती रहती है, कहां पे होते हैं सरकार के नुमाइंदे, क्यों नहीं वो पहले से इस तरह के इंतजाम करते कि ये हालात ना बने, क्यों नहीं इस तरह के? जी जवाब लेंगे बीजेपी से। समय सिंह भाटी साहब हैं हमारे साथ, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है आपका। और सवाल करें इनसे पहले, शिकायत है आपसे, किसानों से जुड़े आप हैं और सरकार भी दावे करती है किसानों के अच्छे दिन आए, आप लोगों ने मुआवजा सबसे ज्यादा दिया, 1 अप्रैल से सरकारी खरीद होनी थी और आपके प्रवक्ता यहाँ पर पैनल पर नहीं आते हैं, क्या नहीं लगता ये बेहद दुखद है? कितने संवेदनशील हैं आप किसानों को लेकर? नहीं देखिए पूजा जी, ऐसा है आपके जी। पैनल पर मुझे ही आना था जी। और मेरा टाइम में ऐसा फिक्स था किसी से मिलने का ना, उनसे मिलना मुझे जरूरी था, इसलिए वो टाइम मैं ये देख रहा था कि यहाँ आएंगे, यहाँ मिलूंगा, लेकिन उन्होंने यहाँ आने की बजाय कहीं और बुला दिया मुझे, ठीक है, मजबूरी में जाना पड़ा। देखिए आप लोगों की प्राथमिकताओं पर सवाल उठेंगे, प्राथमिकताओं पर सवाल उठेंगे, जनता समझती है। पहली बात तो ये कि मैं प्रॉपर किसानों के साथ में जुड़ा हुआ हूँ, मैं हर मंडी से जुड़ा हुआ हूँ, हर मंडी की व्यवस्था के बारे में जानकारी ले रहा हूँ और कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है, मैं मानता हूँ कि 2-3 ये जो हमारी प्राकृतिक आपदाएं आई है, जो बारिश आया, जो ओला आई है या बरसात की जो मोटी मोटी बूंदे आई है जहां भी, तो इसमें क्या है कि परचेसिंग में दिक्कत आती है, एक तो सीलन बढ़ जाती है वहां पर जब खुलने में रहती है ना फसल, तो उसकी, इसलिए हमने ये कहा कि जब भी खुलेगा, मौसम ठीक होगा, हम परचेजिंग स्टार्ट कर देंगे, और उसके अभ्यास पर हमने अधिकारियों को वहां पर लगा रखा है कि भाई किसी भी मंडी में जब भी मौसम ठीक रहता है तो आप परचेज करें। हमने कहा किसान का एक एक दाना खरीदेंगे, थोड़ा सा क्या होता है कि जब किसान मंडी में ले आता है अपनी फसल को ना, तो उसको जल्दी रहती है बेचने की,
कि भाई मैं आ गया तो मेरी जल्दी दिख जाए, लेकिन क्या है कि सिस्टम वो है कि उसमें आप ये बताइए एक दिन एक घंटे में गेहूं भीग गया, तैयारियां क्या थी मंडियों में पड़ा गेहूं भीगता गया, सिस्टम ने तैयारियां कितनी की? भाटी साहब रुकिए एक बार के लिए, मैं नाम क्लियर कर दूं, ज्योति सांगवान हूं मैं, अब बात कर रहे हैं मुझसे जी, तैयारियां कितनी थी, तैयारियां कितनी थी? नहीं नहीं तैयारियां हमारी पूरी है, उसमें कहीं कोई दौरा नहीं, लेकिन क्या होता है कि सेट कई मंडियों में इतने ज्यादा सेट है नहीं जी, लेकिन कई बच्चे है जहाँ सेट नहीं है वहाँ कोई दिक्कत है, वहाँ पर दिक्कत है कोशिश कर रहे हैं कि रंजिता जी उनको। चलिए रंजिता मेहता है हमारे साथ कांग्रेस से, रंजिता जी आपके सामने ही उनके जवाब बता रहे हैं कि उनकी कितनी तैयारियां हैं, खुद ही कह रही हैं कि मंडियों के अंदर हमारे पास जहां पर व्यवस्था नहीं है वहां थोड़ी दिक्कत है। जनाब उसी दिक्कत को दुरुस्त करने के लिए आपको चुना गया है और आपको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। आज अगर आप मंडियों के हालात देखते हैं हरियाणा के अंदर तो इतनी लचर व्यवस्था में हो चुकी है, तो ड्रेनेज की जो व्यवस्था है वो इतनी बंद पड़ी है। साहब रंजिता मेहता को सुन रहे हैं आप, सर आप आवाज सुन पा रहे हैं अभी? ज्योति जी आवाज साफ नहीं आ रही जी, अभी मिल पा रही आवाज आपको? भाटी साहब सुन पा रहे हैं आप? देखिए फोन लाइन पर जुड़ेंगे तो परेशानियां जरूर होंगे, इस तरह की परेशानियां होंगी आप लोगों को। रंजिता जी को सुनिए, फिलहाल कांग्रेस का पक्ष रख रही है रंजिता जी, बोलिए फिर से जुड़ेंगे आपके साथ, फिर से जुड़ेंगे। ज्योति जी आप ये देखिए कि ड्रेनेज की व्यवस्था का इतनी लचर हालत है मंडियों के अंदर कि पिछले 3.5 साल से भाजपा सरकार ने मंडियों की तरफ मुंह नहीं किया है। वहां पर अगर बारिश होती है तो पानी इस तरीके से ब्लॉक होता है कि अनाज भी बह के जो नाले में जाता है। इतनी लचर हालत होने के बाद जहां पे प्लेटफॉर्म है जहां पर इस अनाज को सुखाया जाता है आज वो प्लेटफॉर्म टूटे पड़े हैं, आज जो शेड्स हैं वहां से पानी टपक रहा है, वहां पर ना लाइट की व्यवस्था है और मोदी साहब बड़े बड़े वादे करते हैं शौचालय के, वहां पे शौचालय तक भी उपलब्ध नहीं है। इतनी लचर हालत में आज हमारी मंडियां हैं, उसके बाद ये कहते हैं कि हमारी तैयारी पूरी है। आज हम मैनिफेस्टो बनाते हैं, जब हम बजट सत्र आता है तो बड़े बड़े दावे करते हैं कि इस साल हम 80 लाख टन जो है वो गेहूं की खरीद करेंगे, जबकि पिछले साल जो आपका बजट था उसमें आपने तकरीबन 60 लाख उसका वादा किया था। आप एकदम से रेशो तो इतनी बढ़ा रहे हैं पर क्या आपके पास इतनी बड़ी व्यवस्था है उसको स्टोर करने के लिए? क्या आपके पास बकायदा बड़े बड़े गोडाउन है उनको रखने के लिए? अगर है तो आप 1 तारीख से 9 तारीख तक सो रहे थे जबकि आपको पता था कि बारिश होने वाली है और जो किसानों का सोना है वो खुलेआम सरेआम मंडियों में खुले आसमान के नीचे पड़ा है। फिर भी आपको बात पता क्या है, मैं तो हैरान हूं अभी समय सिंह भाटी, मुझे लगता है जहां तक मेरी जानकारी है शायद ये भारतीय जनता पार्टी के किसान सेल के शायद कोई नेता है। हैरानी होती है ये जब ये बात कहते हैं कि किसान को जल्दी रहती है कि मेरी फसल जल्दी खरीदी जाए। भाटी साहब को शायद ये नहीं पता कि किसान किस तरह से फसल उगाता है, किसान किस किस से उधार लेके कर्ज लेके इस फसल को उगाता है, इसकी परवरिश करता है। तो स्वाभाविक है किसान चाहेगा कि जैसी मंडी में उसकी फसल आए उसकी खरीदारी हो और समय रहते उसको उसका भुगतान भी मिले जिससे कि वो अपना कर्ज उतार सके। और अगर किसान सेल के नेता किसान की इस जल्दी पे सवाल उठाएं तो समझ में आता है कि किसान इनकी प्राथमिकता में कहीं पे है ही नहीं। दूसरी बात इन्होंने एक बड़ी हैरान करने वाली कही, इन्होंने बोला कि जी मौसम खुलने के बाद हम खरीदारी करेंगे। यही सवाल मेरा है कि भाटी साहब जब मौसम विभाग पहले यह घोषणा कर चुका होता है फला फला दिन बारिश होगी तो आपके चाहिए कि किसान को परेशानी झेलनी ना पड़े, इसलिए उस समय को आने से पहले किसान की जो फसल मंडी में आ चुकी है उसकी खरीदारी हो जाए उसकी लिफ्टिंग हो जाए जिससे कि इस तरह के हालात ही पैदा ना हो। ज्योति जी इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी, आपको जानकर हैरानी होगी कि जो किसान है मंडियों के अंदर उनको बोरियां तक उपलब्ध नहीं कराई गई है कि कम से कम जो अनाज खुली मंडियों में पड़ा है उनको बोरियों में समेट कर ही कहीं ना कहीं उसकी व्यवस्था की जा सके। पूरी चढ़ूनी साहब ज्योति जी रंजिता जी को याद दिलाइए पिछले 10 साल इनके राज में क्या हुआ है। जनाब आप 10 सालों से बाहर आएंगे कभी? आप और आपकी पार्टी 10 सालों में ही खोई हुई है। आपको नींद में भी कांग्रेस नजर आती है, आपको हर चीज में कांग्रेस नजर आती है। अब तो हाथी निकल गया, आपकी पूछ रह गई है, कुछ तो पूछ से सफाई कर लीजिए। जो आप बड़े बड़े दावे करते हैं वो उसका जवाब दे दीजिए, आपके सामने आता है। हर एक विषय को लेकर इस बात का जवाब दे दीजिए। आप लोगों को मैंडेट क्या इसलिए दिया गया था कि आप पूछते रहे कांग्रेस ने क्या किया? नुकसान किया
भाटी साहब, जनादेश क्यों मिला था सर? जनादेश क्यों मिला था? क्या किसानों को लेकर सवाल किए जाएंगे? उस वक्त पूछेंगे हुड्डा सरकार ने क्या किया था? ये लोग सरकार में नहीं रहे, ये लोग सरकार में नहीं रहे। पैनल पर नहीं कहा गया कि हुड्डा सरकार में बेहतर हुआ किसानों के लिए? मैं रंजीता जी का बात का जवाब दे रहा हूँ, और वो जो कह रहे हैं मैं उसका ये बता रहा हूँ कि आपने तो 10 साल में बहुत अच्छा व्यवस्था करी होगी, आज फिर ये दिक्कत कैसे आ गई जो बड़े बड़े गोदाम आप ये बता दिक्कत रहे इसलिए आई कि 3.5 साल से आपने मंडियों का मुंह नहीं किया, 3.5 साल से आपने ड्रेनेज की व्यवस्था की आप लोगों के पास में आपने जो शेड छो रहे हैं 3 सालों में उनमें गलियां हो गई है, आपने उसकी भरपाई नहीं की। आज जो प्लेटफॉर्म टूटे पड़े हैं उसकी आपने वहाँ पे दुरुस्त नहीं किया। भाटी साहब, रंजीता जी रुकिए, देखिए विषय बहुत गंभीर है, राजनीति कितनी भी कर लीजिए पूरी गुंजाइश है इसमें। भाटी साहब देखिए, ये जवाब नहीं होता, किसानों को समाधान नहीं दे पाते, कांग्रेस को जवाब देने से हो जाएगा भला? आप ये बात बताइए, नहीं कांग्रेस किसानों को समाधान दीजिए ना। बात कांग्रेस ऐसी बातें कर रही है जी जो कभी इनको करना नहीं चाहिए, इनके पास कोई मुद्दे तो है नहीं। हाँ, बिल्कुल कोई मुद्दे है नहीं। आप लोगों ने विपक्ष में रहकर किसानों पर पूरी राजनीति की, इसमें कोई दो राय नहीं। हित को लेकर दावे किए गए, बड़े वादे किए गए, किसानों की स्थिति कितनी बदली उसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। अभी आप सुनिए, फिलहाल आप सुनेंगे चढ़ूनी साहब कितने हालात खराब है फिलहाल बरसात को लेकर। सर आएंगे आपके पास, सुनिए फिलहाल भाटी साहब, सुनिए सर, सुनिए सुनिए चढ़ूनी साहब बताएंगे आपको कि हालात क्या है। आपने कहा कि कुछ एक मंडियों के हालात बिगड़े हैं, सर सुनिए प्लीज, सुनेंगे अभी आप। मेरे बड़े भाई है चढ़ूनी, मैं करवाइए। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि बड़े दुख की बात है कि मुद्दा किसान का होता है और वो पार्टियों की में बदल दिया जाता है। आपकी पार्टी ने क्या किया, आपकी पार्टी ने क्या किया। इसको बदलने की इसमें बदलने की बजाय ध्यान इस बात पे होना चाहिए कि समस्या कितनी गंभीर है, उसको सुलटाया कैसे जाए। जी। अभी मैं इस बात पे आऊंगा कि अभी तक जो खरीद नहीं की गई है, एक कानून ये है कि जिस दिन फसल मंडी में आ जाती है जी, मंडी में आने के बाद वो उस दिन क्यों नहीं खरीदी गई, इसका रिकॉर्ड बनाना होता है कि उसमें नमी ज्यादा थी, मीटर से चेक किया उसमें ज्यादा थी इसलिए उसको नहीं खरीदा गया, या वो मापदंड पे खरी नहीं उतर रही थी, वो रिकॉर्ड दर्ज करना होता है। आज तक पूरे हरियाणा के अंदर किसी भी मंडी में एक भी ढेरी का रिकॉर्ड चेक नहीं किया, रिकॉर्ड दर्ज नहीं किया गया। एक बात। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि जो जानबूझ के लेट करना है, अभी कोई किसी ढेरी में नमी आ सकती है, सभी में तो नमी नहीं हो सकती ना, जो जानबूझ के लेट किया गया उसके पीछे घोटाला है। शायद भाटी साहब को ज्ञान है कि नहीं है, मेरे को नहीं पता, लेकिन उसके पीछे घोटाला ये होता है कि अगर उसको हम 10-12 अप्रैल के बाद खरीदते हैं जी, तो उसमें नमी की मात्रा मापदंडों से बहुत नीचे आ जाती है, और जब उस गेहूं को खरीद के रखेंगे तो उसमें 6 महीने बाद नमी की मात्रा बढ़ जाती है। जो गेहूं आज हमने 1 क्विंटल खरीदी है, 6 महीने बाद उसका वजन बढ़ के 1 क्विंटल 4 किलो हो जाएगा। जो वो 4 किलो गेहूं बड़ी है वो या तो अधिकारियों के पेट में जाएगी या कहीं वो सरकार के पेट में जाएगी। वो एक घोटाला है, उसकी वजह से इसको जानबूझ के लेट कर दिया जाता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि मंडी के अंदर सभी व्यवस्था है, शेड की भी है, दूसरी तरह की भी है, और मंडी के अंदर पढ़े लिखे अधिकारी भी हैं जिनको पता है। किसान तो बेचारा अनपढ़ है, लेकिन उन अधिकारियों की क्या ड्यूटी है? उनको 4 दिन पहले पता चल गया है कि 9 तारीख को बारिश आएगी। बिल्कुल। जब उनको 9 तारीख को बारिश आने का पता है तो उन्होंने सभी किसानों को, सभी आढ़तियों को ये सचेत कर देना चाहिए था कि भैया जितना आपका अनाज है उसको उठा के शेड के नीचे ले जाएं। तो ये उन अधिकारियों का काम था। मैं ये कहना चाहूंगा कि जिन अधिकारियों की कोताही है उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। और जो अधिकारी जानबूझ के नहीं खरीद रहे हैं, जिन्होंने उसका रिकॉर्ड ही दर्ज नहीं किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। जब तक ये व्यवस्था लागू नहीं होगी, चाहे सरकार किसी की भी हो, ये पिछले सालों में भी होता आया, मैं किसी एक पार्टी का विरोधी नहीं हूँ, ना किसी एक पार्टी के पक्ष में हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि किसान का यहाँ जल्दी की बात की, जल्दी बेचने की होती है, जरूर होती, उसको डर ये होता है कि मैंने 6 महीने फसल को पाला है, बच्चों की तरह पाला है, मंडी में लेके आया हूं, अगर खराब होगी तो मैं क्या करूंगा, मर जाएगा वो। तो उसको जल्दी बेचने की जल्दी जरूर होती है, और सरकार को उन चीजों को समझना चाहिए कि किसान की बच्चों की तरह पाली हुई फसल
खराब ना, उसमें देश का किसान भी नुकसान है। किसान की फसल को सरकार खरीदने में भी दिलचस्पी दिखाए, जिस तरह की तस्वीरें हैं, अगर जल्दी नहीं होगी तो क्या करेगा किसान, ये भी अपने आप में सवाल है। नैन साहब, आपने करीब से देखा है किसानों की स्थिति को, किसान नेता आप हैं, सरकार के जो खरीद के दावे हैं कि 1 अप्रैल से खरीद शुरू की जानी थी, उसकी सच्चाई क्या है, बताइए। देखो, सरकार ने जो 1 अप्रैल से खरीदनी थी, वो जैसे गुरुनाम जी ने बताया है कि भी नमी का जो कारण है, ये सरकार को भी पता है, व्यापारी को भी पता है कि 12 अप्रैल बेसिकली बैसाखी के बाद कणक पूरी सूख जाती है, उसके बाद कणक का वजन बढ़ना शुरू होता है 1 महीने बाद, यानी ये 12 के बाद खरीदनी शुरू करते हैं, जो कि 1 तारीख से खरीदनी चाहिए थी इन्होंने, तो अब 1 तारीख से खरीदनी चाहिए थी, तो इन्होंने नमी के उसमें नहीं खरीदी, उसका कारण नमी नहीं था जी। उसका कारण ये था कि भी जो इन्होंने वजन का फायदा लेना था, 4 किलो करीब 1 क्विंटल में बढ़ जाती है, 50 किलो की बोरी में 2 किलो बढ़ जाती है, उसका फायदा लेने के लिए नहीं खरीदी। और जो भाटी साहब बता रहे हैं कि भी किसानों को जल्दी है, मैं भाटी साहब से पूछना चाहता हूँ, भाटी साहब अगर आप भी जमींदार हैं, तो जब जमींदारों ने लोन लिए होते हैं, कर्जे लिए होते हैं, तो आप बताइए कि भी कर्जा उतारने की जल्दी नहीं होती क्या? एक ये सरकार के टाइम पे एक ट्यूबवेल लगाने के लिए 1 लाख रुपया ये एक्स्ट्रा लेते हैं, जमींदार जो है अपने खुद पोल खरीदता है, खुद केबल खरीदता है, खुद ट्रांसफार्मर खरीदता है और कनेक्शन के लिए अपील करता है। इन्होंने एक स्कीम चला दी कि तत्काल स्कीम में आप 1 लाख रुपया ज्यादा दें, तो भट्टी साहब बताइए, 1 लाख रुपया ज्यादा आप किस चीज के ले रहे हैं, किस चीज के सरकार ले रही है? तो क्या किसान ने पैसा नहीं देना, क्या किसान ने लोन नहीं देना? तो इसलिए किसान को, और मैं भट्टी साहब को यह भी बता देना चाहता हूं, कोई भी किसान अपनी उसको नमी वाली कणक को नहीं काट सकता, क्योंकि वो कटाई भी नहीं उसकी होती उसमें नमी के कारण, कंपेन भी नहीं उसमें चलती, कंपेन वाले भी जवाब दे जाते हैं। हाँ, बिल्कुल, खेत से लेकर मंडियों तक परेशानी है त्रिसा। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी परेशानी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक तरफ तो सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि जी हमारी तैयारी मुकम्मल है, दूसरी तरफ जब किसान को ये बात कह के उसकी गेहूं नहीं खरीदी जाती कि बारदाना ही नहीं है, तो फिर वो तैयारियां किस तरह से मुकम्मल थी जब मंडियों में बारदाना ही नहीं पहुंचा सके आप। और सबसे महत्वपूर्ण चीज देखिए, किस तरह से व्यवस्था सुधरती है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण तो ये है कि जो सरकारी नुमाइंदे, और सरकारी नुमाइंदे में बात करूं जैसे मुख्यमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी मंडियों में अगर जाके वहां के हालात देखें, मुख्यमंत्री जाके देखें किसान किस तरह से किन किन वजह से परेशान है और उसको किस तरह से दुरुस्त किया जा सकता है, तब तो कहीं ना कहीं सुधार आ सकता है। लेकिन यहां तो हालात ये है कि मुख्यमंत्री जी मंडी की तरफ मुंह करके नहीं देखा। 1 अप्रैल से देखिए, जब से किसान परेशान हो रहा है, बार बार सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि हमारी तैयारी मुकम्मल है, मुख्यमंत्री जी कहां है? और रही बात विभाग के मंत्री की, कहीं ना कहीं खाद्य एवं पूर्ति विभाग के मंत्री जो इनके कर्णदेव कंबोज हैं, उनके ऊपर तो पहले से एलिगेशन है लगातार कि उन्होंने धान खरीद घोटाला किया है। और कहीं ना कहीं जो नमी के नाम पे गेहूं नहीं बिकती या जिस तरह से खरीद लेट होती है, उसके बाद जो प्राइवेट लोग आके उसको उन्हें पुणे दाम पे खरीदते हैं, तो यह भी बड़ा स्पष्ट कारण है कि कहीं ना कहीं मंत्री साहब की और अफसरों की इन्वॉल्वमेंट है। जैसे चुडूरी साहब कह रहे थे कि अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, निश्चित रूप से ऐसे अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वो अफसर किसके नीचे काम कर रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो इतना बड़ा स्कैम होता है, जो किसान को इस तरह से लूटा जाता है, इसमें सरकार की सरपरस्ती है, ये हम देख चुके हैं पहले भी, हमने ये चीज धान खरीद घोटाले में भी देखा किस तरह सरकार की सरपरस्ती में किसान को लूटा गया, हमने सरसों में देखा, अभी आपने पीछे देखा कि MSP 4,000 रुपए सरसों की, लेकिन किसान की सरसों बिक रही है 2,200, 2,500, 2,700 रुपए और मैक्स 3,200 रुपए बिकी है। उसका कारण क्या था? क्योंकि सरकार कहने के बावजूद खरीद नहीं रही है, सरकार ने खरीद पे कैप लगा दी है, लिमिटेशन बना दी है, तो किसान अपनी फसल को लेकर कहां जाए? तो उसको वो जो अपनी फसल है वो प्राइवेट बेचना पड़ा, जहां पे किसान के साथ इस तरह का खेल होता है। तो तैयारियों के जो दावे हैं वो तो कम से कम हवा हवाई है, फिर जिस तरह की तस्वीरें, ज्योति जी तैयारियों की अगर बात करते हैं, आज आप सबसे बड़ा जो लूपहोल तैयारियों के अंदर है, आज जितनी भी एजेंसियां हैं, जो उनकी भंडार क्षमता है, ये सरकार का खुद का आंकड़ा है, मेरा आंकड़ा नहीं है, कि हम 81.20 लाख मेट्रिक टन जो है गेहूं स्टोर कर सकते हैं, हमारी पूरी तैयारी है। और इस बार जो उन्होंने टारगेट रखा है कि हम 80 लाख के करीब खरीदेंगे, आप ये देखिए कि ऑलरेडी जो भंडारण है, जो जहां पे स्टोर क्षमता होती है, वो ऑलरेडी उसके अंदर चावल और गेहूं 40 लाख मेट्रिक टन ऑलरेडी स्टोर्ड है। तो जनाब, जो आप 80 लाख और खरीदने जा रहे हैं, उसके जो एक्स्ट्रा 40 लाख टन जो होगा वो कहां रखेंगे मेट्रिक टन? आप उसकी व्यवस्था के लिए आपने कौन से इंतजाम किए हैं? आप कहते हैं आपकी तैयारी पूरी है, तो वो तैयारी आपकी दिखनी भी चाहिए।
आज एक किसान है, अगर आज एक आरती की बात करते हैं ना, अगर आज आप अपनी कमाई घर पे लेके आते हैं, आप खुले आसमान के नीचे बाहर मंजा करके सो के देखिए, आपको सारी यकीनन सारी रात नींद नहीं आएगी। ये किसान है जो सारी रात जो उसकी अनाज जो है खुले आसमान के नीचे पड़ा होता है, उसके बावजूद वो जो जो किसान है वो सोता भी है और उसको जोतता भी है, सोने को पैदा भी करता है। आपको दुख पैदा होगा जब आपके घर पे ऐसा महसूस होगा आपको। भाटी साहब कितने गंभीर हैं आप किसानों के लिए, आपकी सरकार कितनी गंभीर है और तैयारियां कितनी हैं? हालांकि पिछले जवाब में आपने कहा कि किसानों को जल्दी रहती है खरीदारी के। नहीं, ऐसा है, हमारी सरकार पूरी तैयारी के साथ में पूरे प्रशासन को लगाया है और पूरी तरीके से सरसों और गेहूं दोनों फसलें खरीदी जा रही है। ज्योति जी, हेलो, ये कहां के किसानों की खरीदी जा रखी है और कितनी मात्रा में सरसों खरीदा गया था? भाटी साहब, एक किसान की सरसों की खरीद लिमिट क्या थी? 4 लाख क्विंटल सरसों आज तक खरीदी गई है। अरे एक किसान से आपने कुल कितना सरसों खरीदा? इनको पहले ये भाटी साहब ये तो बता दीजिए, ये 25 क्विंटल की कैप क्या थी? आप देखिए, एक भी मंडी में कहीं लिस्टिंग की दिक्कत आई था? भाटी साहब, आपने झज्जर की मंडी में जाके देखा था कि वहां पे क्या हाल हुए किसान की सरसों के साथ? आप यहाँ चैनल पे जो बात कर रहे हैं, मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए कि आपने जो 25 क्विंटल की कैप लगाई थी, 25 क्विंटल से ज्यादा सरसों किसान कहाँ लेके जाएगा? मेरी बात सुनिए पहले, कोई कैप हमने नहीं लगाई है, हमने ये कहा कि पहले फेस में 25 क्विंटल लगे और फिर दोबारा 4-5 रुपए फिर तब तक किसान। अरे बड़ी हैरानी होती है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा भाटी साहब किस तरह की बात कर रहे हैं, कहाँ लेके जाता किसान अपनी सरसों को? देखिए समय समय सीमा को लेकर तो कैप है फिर मैन साहब। अरे भैया, आप मेरे को एक बात, भाटी साहब आएंगे सर विस्तार से जवाब दे दीजिएगा, फिलहाल सुनिए सर, सुनिए। इस सरकार ने किसानों के साथ जो सरसों खरीद में किया, इन्होंने 4,000 रुपए रेट रखा था सरसों का, 2500-2800 बिक्री है। मैं बता देता हूँ वो कैसे बिक्री है। आप लोगों ने ऐसा खिलवाड़ किया किसानों के साथ ऐसा खिलवाड़ किया आप लोगों ने कि आपने क्या कभी पहले पटवारी से लिखवा के लाइए, आपने क्या राशन कार्ड लाइए, आपने क्या जिसको आधार कार्ड पे चढ़वाइए, उसके बाद आपके किले की सरसों बिकेगी? ये हाल हुआ है सरकार के अंदर, जमाबंदी आपने लेके आनी है, जो आदमी ठेके पे जमीन पटवारी से साइन करवा के तब आपने मांगे हैं, ये हाल हुआ है। पूरे हरियाणा के अंदर 23 मंडियों में से 9 मंडियों में ऑलरेडी अनाज आ चुका है जनाब, और आपने एक बोरी में अनाज अब तक नहीं खरीदा, क्या कारण है उसके अंदर? किस बात का इंतजार कर रहे थे कि बारिश आए और फसल भीगे और किसानों का नुकसान हो? बताइए, 2.5 लाख क्विंटल हमने गेहूँ खरीद चुके थे परसों तक, हमने 2.5 लाख क्विंटल और सरसों खरीदी 4 लाख क्विंटल परसों खरीदे हमने 3.5 लाख तक। आप देखे डिटेल और आप चेक कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ओनली मौसम की वजह से। ये मौसम जब से बिगड़ा है, ये सरकार ही इतनी मनहूस है कि हर बार मौसम के कहर पड़ता है। ना, कोई मनहूस नहीं है सरकार, जब से सरकार आई है हर साल तो ओलावृष्टि हो रही है जनाब, हर साल आप कह रहे गेहूं की बंपर फसल हुई है और उसके बाद फसलें खराब होकर जो किसान है बेचता है। को तो आप कितनी मात्रा में, सुनिए सुनिए सर, भाटी साहब सुना भी कीजिए सर, को तो आप जेब में नहीं रख सकते। चलो पता किस टाइम क्या कितना कितना गेहूं खरीदा गया, मैं कहना चाहूंगा। भट्टी साहब, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आपने सरसों खरीद में 10 तरह की शर्तें लगा दी हैं, उसके तरह की नहीं लगाई सर। मेरी बात पूरी होने दीजिए, बीच में काटोगे तो आप अपनी बात से भाग रहे हो। मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी को आपसे दुश्मनी नहीं है। भाटी जी आप सुनिए, सवाल भाटी साहब सुनेंगे तो जवाब देंगे। मेरी आपसे दुश्मनी नहीं है, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए और उसमें सुधार करिए। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए और उसमें सुधार करिए, अगर आप सुनेंगे नहीं तो सुधार करने की मनसा नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने सारी सरसों खरीदनी है तो उसमें जो कई तरह की शर्तें लगाई गई हैं उनका कोई औचित्य नहीं बनता। जैसे गेहूं है, गेहूं में कोई शर्त आपने नहीं लगाई क्योंकि गेहूं आपकी मनसा है कि सारी खरीदें, हाँ। इसलिए गेहूं में आपने कोई शर्त नहीं लगाई। ऐसे ही आपने सरसों में भी कोई शर्त नहीं लगानी चाहिए, वो किस किसान की है, वो अपना कागज बनवा के लाएगा, वो एक दिन में 25 क्विंटल ही बेच पाएगा, वो किस तारीख को बेच पाएगा, वो कुछ चंद मंडियों में ही बेच पाएगा,
ये शर्तें आपकी नीयत में खोट दर्शा रही हैं। और उसके पीछे कारण ये है, इसमें एक बड़ा घोटाला ये होता है, अगर आपका प्रैक्टिकल नहीं है तो मैं बता देता हूँ, इसके पीछे एक बड़ा घोटाला ये होता है कि जब किसान को ये लगता है कि मेरी बिकेगी नहीं, मेरे को 10 जगह पे चक्कर काटने पड़ गए उसके बाद भी मेरी बिकेगी नहीं, तो वो आढ़ती के पास, प्राइवेट व्यापारी के पास वो उसको कम रेट में बेचता है, और वो व्यापारी फिर आपके सरकारी अधिकारियों से मिलके उसको उसी सरसों को पूरे रेट में बेचता है। ऐसा सूरजमुखी में हुआ, ऐसा बाजरे में हुआ, ऐसा सरसों में हो रहा है, और आप उस पर चिंतित होइए, उसमें छूट, सभी तरह की छूट करिए जो लेके आए, और पूरे देश में खरीद। ठीक है चढ़ूनी साहब, आपके सवालों के जवाब लेंगे। मेरा एक क्वेश्चन और है। जी जी। मैं ये कहूंगा कि जिस भी किसान की मंडी में आई गेहूं खराब हुई है वो किसान का कसूर नहीं है, वो सरकार का कसूर है। उस किसान को पूरा क्लेम सरकार की तरफ से दिया। बिल्कुल। तो किसान पर कुदरत का कहर एक बार फिर से बरपा है, साथ ही सिस्टम की तैयारियों ने भी परेशान किया है। किसान फसलें उगाकर खेतों से मंडियों में पहुंचा जरूर है, लेकिन वहां क्या हालात हैं उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। सरकार के दावों की क्या सच्चाई है उसको लेकर भी हम बहस कर रहे हैं। खास पैनल मेरे साथ है। अत्रे साहब, क्या लगता है जब खरीद ना हो और जिस तरह की तस्वीरें हमने दिखाई कि गेहूं मंडियों में भीगता नजर आया, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या सरकार मानेगी कि तैयारियों में कमी थी, खामियां रखी, सुधारने की जरूरत है? देखिए, निश्चित रूप से सरकार की कमियों की वजह से, तैयारियां ना होने की वजह से, सरकार की नेग्लिजेंस की वजह से ये हुआ है, और इसकी भरपाई सरकार को करना चाहिए। जिन किसानों का गेहूं खराब हुआ है उनकी भरपाई सरकार को करना चाहिए। एक चीज और है, महत्वपूर्ण सवाल ये है, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्राथमिकताओं में किसान की कोई जगह है या नहीं? इस बात का एक एग्जाम्पल, अभी जैसे दिलबाग जी बात कर रहे थे कि ट्यूबवेल कनेक्शन, 37,000 एप्लीकेशन पेंडिंग थी जो किसान ट्यूबवेल मांग रहे थे, सरकार ने उन ट्यूबवेल देने से मना। देखिए, उसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है, हमारे हरियाणा के अंदर लगभग 65% इलाका ऐसा है जो डार्क जोन है, 20% इलाका ऐसा है जो क्रिटिकल जोन है। डार्क जोन मतलब कि जहां पे जमीन का पानी का स्तर नीचे चला जा रहा है। अब सरकार डार्क जोन हो गया, सरकार नया ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं देगी। जो पुराना कनेक्शन अगर किसी किसान का पुराना ट्यूबवेल बैठ जाए तो वो नया ट्यूबवेल नहीं लगा सकता। दूसरी तरफ सरकार की सोच देखिए कि जो नहरी पानी किसान की जरूरत है, दादूपुर नलवी की बात ले लीजिए, डी नोटिफाई करना शुरू कर दिया कि नहर को बंद करो। SYL का पानी जो हरियाणा को चाहिए, सुप्रीम कोर्ट जिसके आदेश दे चुके हैं, हरियाणा के हक में निर्णय आ चुका है, उसके ऊपर सरकार चुप हुई है। मेवात कनाल की बात कीजिए, जो हरियाणा के हिस्से का पानी है हरियाणा को नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरह से किसान और किसानी को अनदेखा कर रही है। और उसके पीछे एक स्टडी आई थी, सोच क्या है, ये किसान खेती किसानी को छोड़ने पे मजबूर हो जाए और किसान पलायन करे फैक्ट्रियों में मजदूरी की तरफ, किसान पलायन करे शहरों में मजदूरी की तरफ, ये सोच है भारतीय जनता पार्टी की। और इसी वजह से जो कृषि की अगर आप GDP के अंदर शेयर देखें, जो 23% था वो घटके रह जाता है 14%। कृषि में अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें, जो अब तो 10 तो नीचे आ गया उसका भी, 3.7 से ग्रोथ रेट कम हो जाता है 2.4 पे, 2.4 पे आ जाता है। तो लगातार जो खेती है उसके अंदर जो ये डाउनफॉल आ रहा है, ये सरकार की गलत सोच और गलत नीतियों की वजह से आ रहा है, क्योंकि ये जो वर्तमान सरकार है पूरी तरह से किसान विरोधी है। नहीं चाहते कि किसान किसी भी तरह खुशहाल हो जाए। वायदे बड़े बड़े किए, आपको भी याद होगा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, ये वायदा किया, जनता से वोट लिया, जब किसान ने वोट दे दिया तो अपने ही वायदे से मुकर गए। तो इस तरह की सोच है भारतीय जनता पार्टी की। समय सिंह भाटी जी, आप लोगों ने वादे बड़े किए थे, और जब भी वादों की बात होती है किसानों को लेकर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशें याद आती हैं, जो कि कहा गया था हमारे वर्तमान कृषि मंत्री की ओर से। क्या लगता है कि किसानों के अच्छे दिन आ पाए, खेती घाटे का सौदा ना होकर फायदे का सौदा आप लोग बना पाए? क्योंकि हर एक सीजन की कमोबेश यही कहानी है आपके सरकार में आने के बाद भी। मैं अपने मित्र को बताना चाहता हूँ, घाटे का सौदा आज खेती कहां से है आप मेरे को बताइए। पहली बात, हमने किसान को सिक्योर करने का काम किया, हमने उसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मेरी बात सुनो ज्योति जी, मेरी बात सुनो, बंद कर दीजिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसान को चाहिए। स्वामीनाथन जी कहते हैं किसान की फसल का
सीमा होना चाहिए। भाव की बात कर रही है, भाव की बात कर रही है। जिसपे वोट लिया था अपने मैनिफेस्टो में लिख कर भाषणों में बोल के वोट दुगनी कैसे होगी ये बता दीजिए। चलिए डेढ़ गुना जवाब दे दीजिए, आपने हालात ये कर दिए लागत क्या डेढ़ गुना देंगे। मोदी 2014 में कहा गया, सुनिए एक बार के लिए, अब कहते हैं 2022 में दोगुना कर देंगे। भाटी साहब जी विज्ञान भवन के अंदर मोदी जी ने भाषण किया था हमारे प्रधानमंत्री, भाषण देते हैं मोदी साहब भाषणों के अलावा करते हैं, भाषण के अंदर एक एक पॉइंट बताया था कि हम किस तरीके से किसान की आमदनी दुगनी करना चाह रहे हैं। इस भाषण की वजह से तो आज परेशान किसान परेशान है। भाषण की वजह से आपने लागत का 50% लाभ लेने का वायदा वो भी तो भाषण में किया था मोदी जी ने। बाटी साहब मैं जवाब देना चाहूंगा एक सवाल मैं और कर लूं। टाइम में स्वामीनाथन बना था और जब चुनावी वादा आप लोगों का था सर, क्यों आपकी पार्टी के हर एक प्रवक्ता को याद दिलाना पड़ता है चुनावी वादा आप लोगों का था। सुनिए एक बार के लिए, सुनिए सरकार ने विज्ञान भवन में प्रियम भरी है जानकारी है। भाटी साहब चुनावी की जेल से बोली और झूठ बोली। समय सिंह भाटी जी ज्यादातर पॉइंटों को लागू किया है। स्वामीनाथन जी के खुद के ट्विटर बोलते रहने से किसानों का भला नहीं हो जाएगा। सुना भी कीजिए, विज्ञान भवन में पीएम ने जानकारी दी होगी चुनाव से पहले ओपी धनखड़ साहब भी पूरी जानकारियां देते थे एक एक बिंदु की, सिलसिलेवार ढंग से जानकारियां देते थे कि सत्ता में आने के बाद क्या करेंगे सर। साथ बोलने से हासिल क्या होगा, हासिल क्या होगा सर। दर्शक आपको नहीं सुन पा रहे, मैं जवाब देना चाहूंगा। चलो साहब को सुनिए फिर। हेलो, मैं जवाब देना चाहूंगा। भाटी साहब ध्यान से सुनिए, डबल इनकम की बात है। देखिए सिंह भाटी जी, आपको क्यों लगता है कि आपको सिर्फ सुनने के लिए फोन पे जोड़ा गया है। सिंह भाटी जी हमने डेढ़ गुना, भाटी साहब सुनिए रवि की फसल, नहीं आपको ऐसे फोन लाइन पे नहीं रख पाएंगे हम। भाटी जी आप सुनिए फिलहाल, भाटी जी प्लीज मेरी बात सुनिए, आप इतना बड़ा झूठ मत बोलिए। जो बीजेपी ने वादा किया था अपनी मैनिफेस्टो में वो पूरी स्वामीनाथन रिपोर्ट का नहीं किया था। आपने एक पॉइंट का वादा, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन के जवाब दीजिए। ऐसे अगर आपको जवाब नहीं देना है आप ज्यादा बोल सकते हैं। मैं बात जो कह रहा हूँ, लेकिन आपकी पार्टी के पास मेरी बात का जवाब नहीं है। जो महत्वपूर्ण वो हमने लागू कर दिए। आप मेरी बात का आपने जो लागू एक्सेप्ट करते हो कि मेरी बात को आपके सुनने में कोई कैपेसिटी नहीं है आपकी, और आपके पास जवाब नहीं है मेरी बात का। जो मोदी साहब बड़े बड़े भाषण देते हैं, एक मिनट जी, मेरी बात का जवाब नहीं है आपके पास। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, आपने अपने चुनावी घोषणा पत्र में यह लिखा था कि हम लागत के ऊपर 50% मुनाफा देंगे। आपने पूरी स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात नहीं की थी। आपने किसानों की पीठ में छुरा मारा है ये कह के कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं कर सकते। हाँ। दूसरी बात, जो प्रधानमंत्री ने अभी घोषणा की है उस घोषणा के अंदर खाली ढकोसला है। आप A2+FL में दे रहे हैं, मेरे पास चिट्ठी है, मैं दिखा सकता हूँ, मेरे मोबाइल में है, जिसमें उन्होंने ये काम ज्यादातर फसलों में पहले ही दे रहे हैं। अगर पहले दे रहे हैं तो फिर किस बात का वादा किया था। अभी जो अंडा का आंदोलन था हम उसमें शामिल थे, 29 तारीख को आपका महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री आया था, केंद्र का मंत्री आया था, वहां पे क्या बोला था आप लोगों ने, वहां पे आप लोगों ने ये बोला था कि हम जमीन का ठेका भी जोड़ेंगे, पूरा खर्चा जोड़ेंगे, उसके ऊपर 50% मुनाफा देंगे। क्या दे दिया, ये भी जोड़ा क्या था? दे दिया आपने किसान की मेहनत भी जोड़ेंगे, और अगर उसने किराए पर ले रखा, बटाए पर ले रखा, क्या वो भी जोड़ेंगे। निकालोगे हमारी फैक्ट्री की मदद जुड़ती क्या, फैक्ट्री का ब्याज नहीं जुड़ता क्या, फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन जुड़ता क्या, उसके पशु की मेहनत लगती है वो भी जोड़ेंगे। आपने कौन सी चीज जोड़ी, ठेका जोड़ा के डेप्रिसिएशन जोड़ा के ब्याज जोड़ा, कौन सी चीज जोड़ी,
और मैं जोड़ के बताता हूँ मेरे पास रिकॉर्ड है आपका, मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड है आपका। आप लोगों का मेरे को क्यों बुला रहे हैं, मेरे पास रिकॉर्ड है आपका। भारतीय जनता पार्टी ने केवल किसान को छलने के लिए इन्होंने क्या किया, जो लागत है लागत की गणना गणना में इन्होंने बाजी करी। आपने वोट ले लिया, दर्शक नहीं सुन पा रहे आपको, आपसे जवाब लेंगे, जवाब दीजिएगा, विस्तार से जवाब लेंगे, इकट्ठे जवाब लेंगे, फिलहाल सारे सवाल सुन लीजिए, रिक्वेस्ट है। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि किस तरह से एक सफेद झूठ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोला जाता है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पे। ये बार बार ये कहते हैं कि कुछ बिंदु हमने लागू कर दिए, जबकि जब कुछ किसान ऑर्गेनाइजेशन सुप्रीम कोर्ट में गए कि सरकार का वायदा था कि सरकार स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करे, वहां पे इनके सॉलिसिटर जनरल हलफनामा देके आते हैं कि हम रिपोर्ट लागू नहीं कर रहे, हम नहीं, सरकार के सॉलिसिटर जनरल वहां हलफनामा देते हैं सरकार की तरफ से हम लागू नहीं कर रहे, लेकिन ये झूठ बोलते हैं कि जी हम कुछ बिंदु लागू कर रहे हैं। पहला, दूसरा हरियाणा प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के भाटी जी सुन लीजिए, अब आपका जो हरियाणा का घोषणा पत्र है पेज नंबर 2 पे लाइन नंबर 3 बाकायदा लिखा हुआ है कि लागत का 50% लाभ देंगे, इनका वायदा था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, देखिए ये बार बार एक ट्वीट का जिक्र करते हैं, स्वामीनाथन आयोग स्वामीनाथन साहब ने एम एस स्वामीनाथन ने ट्वीट किया था, ये उस ट्वीट का जिक्र नहीं करते जो एम एस स्वामीनाथन ने दोबारा किया और उसमें कहा। अरे अरे सुनिए आप, अब आपने एम एस स्वामीनाथन के उस ट्वीट का जिक्र किया, आप उस ट्वीट का जिक्र क्यों नहीं करते जिसमें डॉक्टर स्वामीनाथन ने स्पष्ट कहा कि किसान को उसकी लागत का 50% लाभ नहीं मिल रहा, उस ट्वीट का जिक्र क्यों नहीं करते आप लोग, उस ट्वीट का जिक्र क्यों हो जाते हैं आप लोग। आप सारी चीज पर भी आएगी अपने आप में, आप सारी चीज वापस ले लीजिए, स्वामीनाथन रिपोर्ट में जो लागू किया है केवल रेट दे दीजिए, केवल रेट दे दीजिए, और आप नहीं देंगे, आपने किसानों के साथ धोखा किया, धोखा नहीं है। सबसे ज्यादा अगर किसान का किसी ने भला किया है तो इन तीनों आपने देखा, हमने किसान को हर साइड से सिक्योर करने की बात की है, उसको हर साइड से सिक्योर किया है, उसको पशुधन के साइड से भी सिक्योर किया है, उसकी फसल का बीमा करके उसको फसल का नुकसान होने से भी सिक्योर किया है। हमने किसान को प्राइवेट लोगों के ऊपर नहीं छोड़ा है, समय सिंह भाटी जी सवाल सवाल सुनिए सर, सवाल सुनिए, बिचौलियों के ऊपर नहीं छोड़ा है, किसान को देने से कुछ नहीं होगा। भाटी साहब ये बताइए, आज धनखड़ साहब की ओर से कहा गया कि गिरदावरी करवाई जाएगी, मुआवजा दिया जाएगा, क्या सभी किसानों को मुआवजा दिया जाएगा जिनका नुकसान हुआ, ये सुनिश्चित किया जाएगा? और जो मंडी में खराब हुई है उसका, अगर अगर एक किसान का भी नुकसान हुआ है और मान लो उसने बीमा भी नहीं करवा रहा, तब भी हमारी सरकार ने मुआवजा देने का काम किया है, अगर कहीं फसल खराब मंडी में खराब हुआ है उसका देंगे क्या? अब क्या करोगे वो बताओ। हेलो, जो भी मंडियों में खराब हुई है, जो मंडियों में गेहूं खराब हुआ, मंडियों में खराब हुई है, आपने देखा होगा, अभी अभी माने कृषि मंत्री जी ने ऑर्डर करे है बाकायदा कि सबसे जहाँ जहाँ भी बरसात से नुकसान हुआ फसलों का उनकी स्पेशल गिरदावरी के ऑर्डर होंगे। अरे जो मंडियों में किसान की गेहूं खराब हुई है, भरपाई अगर मंडियों मंडियों में जो गेहूं भीगा है उसकी नमी को किसान ना भुगते, उनकी सरकार जिम्मेदारी उठाए। ज्योति जी आप ये देखिए कि इतनी बड़ा मजाक ये भाजपा की सरकार करती है, पहले तो ये डिबेट पर आते ही नहीं, इनकी संजीदगी पता चलती है, फिर लगातार बोलते हैं, जोर जोर से बोलते हैं और झूठ बोलने की इनको ट्रेनिंग मिलती है। आप ही देखिए कि आज जब सुबह से चैनल्स के ऊपर चल, फिर ये बोले प्रीजिंग का म्यूट करवाई था कि जवाब दूं मैं। आप ही देखिए सुबह से जब किसानों को लेकर ये बात शुरू हुई कि किसानों की जो फसल है बर्बाद हो चुकी है बारिश की वजह से, उसी समय इनके सोना के विधायक जो है वो देशपाल जबरदस्ती जाग जाते हैं और फटाफट से मंडी में पहुंचते हैं खरीदने के लिए और अपनी रिकॉर्डिंग कराते हैं। देखिए जी विधायक साहब जो सबसे जल्दी तेज थे जो है मंडियों में खरीदने के लिए पहुंचे हैं। आप भी देखिए क्या 1 तारीख से 9 तारीख तक आपके विधायक सो रखे थे। भिवानी की मंडी की मैं आज आपको रिपोर्ट बताती हूँ कि वहां पे जो सरसों की फसल है
अभी भी जो वहां का किसान है वो बेचने के लिए इधर उधर भटक रहा है। साहब को मिलने के लिए गई है और उसको सरकार से ये पूछना चाहूंगा, अगर ये किसानों की तैसी है, क्या इसने कोई क्रेडिट लिमिट जो थी वो क्रेडिट लिमिट बढ़ाई, क्या क्रेडिट लिमिट नहीं बनाई किसी किसान की, कोई एक भी किसान अगर ये सरकार बता दे हमने उसकी क्रेडिट लिमिट बनाई नहीं बनाई है। और कल मुख्यमंत्री जी रोहतक में व्यापारियों के साथ जो भाषण दे रहे थे और मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि 5 लाख का बीमा, अरे मैं तो सरकार से ये प्रार्थना करता हूँ किसानों की तरफ से कि आप 5 लाख का बीमा आप व्यापारियों का करें, किसान का क्यों नहीं करते, किसान का भी बीमा होना चाहिए। बिल्कुल, किसान की फसलों के ये है जिसका फसल बीमे की बात की है ना भाटी साहब ने, वो फसल बीमा है ही नहीं, वो बैंक के लोन का बीमा है। चलिए शुक्रिया सभी का, आगे समय नहीं चर्चा के लिए, बहुत शुक्रिया सभी का। तो किसानों की परेशानियां इतनी हैं कि आप चर्चा करने लगेंगे तो सिलसिलेवार ढंग से बहुत सारे बिंदु आपके सामने आएंगे, बहुत सारी परेशानियां आपके सामने आएंगी कि कुदरत का कहर क्या है, सिस्टम की तैयारियां कितनी है और सरकार के दावों की हकीकत क्या है।